हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी आई होप सो आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही होगी और आप लोग आर और ए की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है देखिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है हमारा पैटर्न किस तरीके से चल रहा है और हम कितने पानी में मतलब हमको कितना और पढ़ाई करनी है ये तीन चीजों पर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन डिपेंड करती है तो आज हम ये देखने वाले कि हमारा सिलेबस क्या है और पिछले साल के एग्जाम से हमको यह पता चलेगा कि पैटर्न पिछले साल तक क्या था और उसमें क्या अपडेट हो सकता है तो यह जो हमारा पूरा का पूरा सेशन है यहां पे हम पूरा डिस्कस करेंगे 2022 का जीएस पेपर वन का सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री पॉलिटी करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन थे साइंस के कौन से थे सारी चीज हम डिस्कस करेंगे लेकिन जल्दी से मुझे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मुझे एक बार बता देंगे कि सर ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही है कि नहीं ताकि हम यहाँ पे सेशन को जब स्टार्ट करें तो किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि किसी भी तर, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आप उसको यहाँ से अभी आपके पास टाइम है प्रिपेयर करने का आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जीएस बाई पंकज चौबे इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हमको हमारे सारी क्लासेस की पीडीएफ और लिंक मिलेगी इस क्लास का भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम बता देते हैं आप अगर आप यहाँ पे आर और ए का फॉर्म भर दिए हो तो आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर प्री और मेन्स दोनों की तैयारी के लिए कॉम्प्रेहेंसिव बैच है और आज आपको हमारे कूपन कोड पीसी लाइव मेरा नाम पंकज चौबे तो पीसी लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करके ये सिर्फ मिलेगा चार हजार नौ सौ निन्यानवे मतलब और सस्ता आपको मिल रहा है इस कूपन कोड से पीसी लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करना और फटाफट तरीके से क्लास के बाद आप जाके देखिएगा जरूर हमारे स्टडी आईक्यू के वेब प्लेटफॉर्म और ऐप दोनों पे आपको अवेलेबल है जहां पर भी आप जाकर के देखना चाहे 20 तारीख के से क्लास शुरू हो रही है ज्वाइन कर सकते हो प्री और मिन्स दोनों को यहां पे टारगेट किया गया इस हमारे एग्जाम में चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है आई होप आपको शिवम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा मैंने पूरे पेपर की हमने जो है वो कटिंग लगाई है जिससे कि आपको थोड़ा सा फील सबसे पहला क्वेश्चन ये मॉडर्न हिस्ट्री का है यहाँ पे हमारे काला क्रमानुसार या क्रोनोजिकल ऑर्डर में पूछा गया है लगाइए इन हमारी घटनाओं को सबसे पहले अगर आप देखेंगे करजन वायली की हत्या है खुदीराम बोस को मृत्युदंड है बाल गंगाधर तिलक के केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ है

चढ़ाए गए थे केसरी समाचार पत्र को 1881 में पब्लिश किया गया था और अल हिलाल समाचार पत्र को 1912 में ये सारी घटनाएं कुछ इस तरीके से थी तो अगर हम यहाँ पे सही जवाब की बात करेंगे तो अब क्या होना चाहिए तो बहुत सारे लोगों को अभी देखिए इतना हिंट जो है ना ये हिंट नहीं है तो पूरा क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व कर दिया तो सबसे पहले हमारी जो घटना हुई थी वो थी हमारा बिल्कुल केसरी समाचार पत्र को सबसे पहले लिखा गया था तो थर्ड नंबर कहां पे थर्ड नंबर हमारे इन दोनों में तो है नहीं केवल इस और इस ऑप्शन में फिर उसके बाद से अगर देखेंगे तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड है ना तो ये कहां पे दूसरा तो यहां पे दूसरा नहीं है ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर यहां पे सही था तो सिंपल चीज है मॉडर्न हिस्ट्री हमेशा यूपी पीसीएस का हमेशा फेवरेट रहा है पूरा डिटेल में पूछते हैं ये देखिए आपके सामने डिटेल वर्जन में पूछा गया ऑप्शन नंबर एक यहां पर सही था नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पे कुछ मैचिंग है और हमारे यूपी के दिए गए हैं जगह का नाम मेरठ कानपुर लखनऊ बनारस पूछा गया कांग्रेस के सेशन कौन कौन से साल में हुए थे सोलह में पांच में छियालीस में या पच्चीस में अब आपको मैच करना है तो देखिए जब हमारे आजादी के समय में 1946 की बात करेंगे तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की वो हुई थी हमारे मेरठ में अच्छे से याद है हमारे कानपुर में मैं कानपुर से हूं तो कानपुर का जो सेशन है अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और कानपुर के 1925 में, 1925 में का सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला के तौर पे चुनी गई थी लखनऊ की बात करेंगे तो यहां पे हमारे लखनऊ पैक्ट 1916 में और बनारस की बात करेंगे तो बचा हुआ हमारे ये तो डी का दो नंबर हमको कहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए यहां पर ए और सी में है डी का नंबर और ए का तीन ए का तीन नंबर सी नंबर ऑप्शन में देखिए मैंने सिर्फ पहला और अंतिम वाला देखा है ना तो ये देखिए हमको मैचिंग में अगर एक दो भी आते हैं तो आपको ट्राई जरूर करना होगा ठीक है तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए सभी लोग जरा क्या है यहां पे ठीक है तो अगला क्वेश्चन आपका है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर ठीक है अब आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सा सही है ठीक है तो इसका जो सही जवाब है तो सबसे पहले हमारा है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर तो ये हमारा कब हुआ था तो हमारा हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं सर ए होना चाहिए तो यहां पे जो सही जवाब है हमारा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये कब हुआ था तो हैदर अली की यहां पे मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान यहां पर लीडर बने थे मैसूर वॉर में तो ये 1780 से चौरासी और एक ही अगर आपको आता है पहले का दूसरा तो आप सारे बना लेंगे ए नंबर है लेकिन बाकी को भी मैं मैच कर देता हूं सेकेंड एंग्लो फ्रांसीसी वॉर जो आप यहाँ पर देखेंगे चार नंबर पे है हमारा सेकेंड एंग्लो मराठा ये हमारा कौन से सी का फर्स्ट है मतलब 1803 से 1805 एंग्लो-अफगान 1878 से 1880 तो आपको कुछ इस तरीके से मैच करना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा तो जितने लोग ए बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है बाकी के लोग जरा ध्यान से देखिएगा अगला हमारा 2022 का क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी ने हमारे दो क्वेश्चन है जिसमें और पूछा गया क्या है दादा भाई नौरोजी ने 1866 लंडन में हमारे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की ओके okay, यहां पे ये जो हमारा रीजन uh, था इसको बनाने का ही वांटेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन ओपिनियन जो था ब्रिटिश पब्लिक का इंडियंस को लेके उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते थे तो भाई बताइए यहां पर क्या यहां पर सही है तो वापस से यहां पर जो सही जवाब है हमें असर्शन रीजन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना पड़ेगा एग्जाम में बहुत सारे आने वाले तो सबसे पहला ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी और इसका मुख्य कारण था कि वो ब्रिटिश पब्लिक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे तो ये हमारा असर्शन है उसका कारण भी ये है तो यहां पर हमारे ऑप्शन नंबर ए और आर इसका सही व्याख्या है सी नंबर पर जनरली होता है लेकिन इस बार के यूपी पीसीएस में ये ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ की गई थी इसीलिए प्लीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शन टैकल करना पड़ेगा यहां पे तो खैर सी नंबर है हमने यहां पे पिक कर लिया पांचवें नंबर पर देखते हैं फिर से हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब हमारे काला क्रमानुसार में अरेंज करना है क्वेश्चन है आपके सामने सबसे पहला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी बाय लाला हरदयाल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एस्टेब्लिशमेंट बाय हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हिक्की का बंगाल गैजेट पब्लिकेशन पहला समाचार पत्र इंडिया का और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन भाई इनके समय को फिर से दूसरा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का और इनका भी हमारे टेन्योर पूछा गया है अगर आता है तो ही बना पाएंगे नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं चलिए तो यहां पे जो सही जवाब है चलिए तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे आपने यहां पे देखा होगा लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई थी सन फ्रांसिस्को में और उसकी स्थापना हुई थी 1913 में ठीक है अगर हम यहां पे गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करते तो यह बना था 1905 में अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया का पहला समाचार पत्र बेंगौल गैजेट ये 1780 में पब्लिश हुआ था और बेंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये हुई थी हमारे सत्रह में अब हम इसको अरेंज करेंगे जो सबसे पहले हुआ वो था बेंगाल गैजेट ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर ये दोनों में थर्ड नहीं है थर्ड है फिर उसके बाद से हुआ था हमारे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना मतलब फोर नंबर भाई दोनों में फोर है अब यहां पे इन दोनों में हमारे गोपाल कृष्ण गोखले का जो था वो पहले आया था तो बी नंबर ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा याद रखिएगा सेकंड एंड देन फर्स्ट ये इसका सही जवाब है और भाई ऐसे क्वेश्चन आने वाले तो बी नंबर करेक्ट आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिरंगिया जो भोजपुरी में हमारी प्रसिद्ध पोयम है ब्रिटिश कॉलोनिज्म के ऊपर लिखी गई इसको हमारे किसने लिखी है मनोरंजन प्रसाद है रंजन प्रसाद है त्रिलोकी सिंह है या राजेंद्र पांडे है तो बड़ी फेमस है फिरंगिया खास तौर पे पूर्वांचल का जो एरिया है वहां पर ये बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है अभी आपको बताना कि भाई यहां पे हमारा क्या होना चाहिए सही उत्तर हमारा एक तो मोबाइल नहीं चल रहा अच्छा चलने लग गया ठीक है अब हमको कमेंट दिखाई देंगे तो फिरंगिया जो है यहां पर फिरंगी मूवी भी थी कपिल शर्मा की आप लोगों ने देखी होगी तो यहां पर जो सही जवाब है वो हमारा कौन सा है मनोरंजन प्रसाद मनोरंजन प्रसाद करेक्ट आंसर ए यहां पे सही है है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दस जून अठारह की स्थापना हुई थी इसकी इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय भाषाओं का शिक्षा पे मुख्य अधिकार देना ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देना इसका मुख्य उद्देश्य था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों कही गई थी तो देखिए सबसे पहले तो हमारे यहां पर अलग अलग क्षेत्रों पे अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ रहा था और वर्चस्व बढ़ रहा था तो अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषा सीखना जरूरी हो रहा था तो उन्होंने एक कॉलेज को खोला हमारे फोर्ट विलियम जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे लेकिन ये था दस जुलाई अट्ठारह सो जुलाई अट्ठारह को यह कॉलेज खोला गया था याद रखिए डेट का अंतर था मतलब कई लोग बोलते हैं सिर्फ साल याद कर लीजिए यहां पर डेट का अंतर था दस जुलाई और दस जून इस वजह से यह हो जाता है गलत और याद रखिए यहां पे भारतीय भाषाओं को हमारे अंग्रेजी अधिकारियों को सिखाना इसका मुख्य उद्देश्य था केवल दो नंबर से कितना परसेंटेज व्यय किया मिलिट्री फोर्स पर कितना वो एक्सपेंड कर रहे थे हमारे ब्रिटिशर्स चालीस परसेंट पैतालीस परसेंट पचास परसेंट पचपन परसेंट तो याद रखिएगा हमारे यहां पर जो सबसे पहले बजट अठारह सो सत्तावन की क्रांति के बाद अट्ठारह सो साठ में प्रस्तुत किया गया था और यहां पे चालीस प्रतिशत वो अपने मिलिट्री फोर्स के ऊपर खर्चा कर रहे थे मतलब ए नंबर ऑप्शन पे सही है 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 नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक मैचिंग मैचिंग पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। करते समय आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि क्या पूछा है करेक्टली मैच पूछा है कि यहां पे हमसे कुछ और पूछा जा रहा है तो यहाँ पे है जल विहार का मेला बट्टेश्वर का मेला बलदेव छठ का मेला सुक्रताल का मेला यहाँ पे आपको बताना है ये बुंदेलखंड पश्चिमांचल पूर्वांचल और मुजफ्फरनगर ये इनमें से किसमें कहां पर नहीं है तो याद रखिएगा जल बिहार का मेला बुंदेलखंड में होता है बिल्कुल बटेश्वर का मेला वेस्टर्न रीजन में होता है हमारे जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है वहां पर होता है बलदेव है ना श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलदेव और उनके याद में ये जो मेला है ये हमारे होता है मथुरा में और ये हो जाता है यहां पे सही जवाब मतलब मथुरा यहां पे होना चाहिए सी नंबर यहां पे सही था करेक्टली मैच नहीं था इंपॉर्टेंट मेले हैं जो कि हम यहां पे आपको कराए भी हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने है हमारे इनमें से वर्तमान उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए कौन सा साल चुना गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से यूपी का संपूर्ण क्षेत्र हटा करके आगरा प्रेसिडेंसी में कौन से साल में जोड़ा गया और उसको नाम दिया गया यूनाइटेड प्रोविनेंस बत्तीस में तैतीस में चौतीस में अठारह सो पैंतीस में क्या होना चाहिए दोस्तों यहां पे सही जवाब तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अठारह सो तेतीस में अठारह सो तेतीस बी नंबर ऑप्शन सही है यूपी का एरिया बंगाल प्रेसिडेंसी से हटा करके आगरा प्रेसिडेंसी में जोड़ दिया गया था अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था अभी आपने देखा कि बंगाल प्रेसिडेंसी से कब हटा था तो 1833 में अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस वर्ष में अंग्रेजों का अधिकार आगरा के सॉरी इलाहाबाद के किले पे हो गया था तो सही जवाब हो जाएगा सत्रह में डी नंबर ऑप्शन यहां पे सही है सत्रह में प्रयागराज का जो किला है उस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था यह भी इंपॉर्टेंट आता है तो यहां पर बी नंबर है और यहां पर डी नंबर है अगला क्वेश्चन है अठारहवीं अथा, शताब्दी के उत्तराध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की सानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था है ना यहां पे

इस बहादुर को सानो सौकत का रिप्रेजेंटेटिव बोलते थे फिर से क्वेश्चन यहां पर है हमको ये जो इवेंट दिए गए हैं इनको काला क्रम अनुसार लगाना है यहां पर है चीनी उद्योग का विकास भारतीयों के द्वारा रिसड़ा में पहली जूट मिल स्टील का प्रथम बार उत्पादन और बंबई में पहला कपड़ा मिल ये हमको तेरहवे क्वेश्चन में दिया गया इनको अरेंज करना है भाई किस तरीके से अरेंज करना है जल्दी से मुझे बताएं कौन बताना चाहेगा तो यहां पर ये यह तेरवा क्वेश्चन है और यहां पे फिर से हमको पता होना चाहिए कि इनका साल कौन कौन सा था तो भारत में सबसे पहली जो चीनी मिल है ये हमारे परतापुर में लगी थी है ना परतापुर में सबसे पहली हमारे चीनी मिल उत्तर प्रदेश में लगी थी 1903 में फिर इसके बाद से में जो हमारे पहली जूट की मिल है ये लगी थी अट्ठारह में अंग्रेजों ने हमारे हुगली डिस्ट्रिक्ट हुगली डिस्ट्रिक्ट जो कोलकाता में पड़ता है वहां रिसना पड़ता है वहां पर अठारह सो पचपन में लगाए स्टील का पहला उत्पादन जमशेद टाटा जी ने उन्नीस में किया था पहली स्टील फैक्ट्री और बंबई में पहली कॉटन मिल लगी थी हमारी में कब लगी थी चौवन में तो यहां पे अब हम, हम देखेंगे सही जवाब क्या होना चाहिए तो बंबई वाला मतलब ऑप्शन नंबर चार जो है वो सबसे पहले आना चाहिए और बी नंबर पे ही हमारा ऑप्शन नंबर चार सबसे पहले क्योंकि अठारह सो फिर आपका रिसना वाला अठारह फिर आपका वो चीनी उद्योग है और फिर आपका स्टील उद्योग है तो आपके बी नंबर में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भारतीय सिविल सेवा के एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी ठीक है 1919 में हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई 1941 में हुई भारतीय सिविल सेवा में पहली बार हमारे यूरोपियों से ज्यादा भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया था तो भाई यहां पे ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे यहां पर इंडियन इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत 1919 में हुई थी और हमारे 1941 में भारतीयों का परसेंटेज यूरोपियों से ज्यादा हो गया था ये दोनों ऑप्शन सही थे सी नंबर चौदवे का सही है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए मतलब हमारा एसर्सन है आर रीजन है रवींद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी क्योंकि वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे अब ये दोनों कथन और कारण सही है कि नहीं तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे सभी को याद है तेरह अप्रैल उन्नीस जब जलिया वाला बाघ कांड में हुआ था हत्याकांड सभी ने अपनी अपनी जो है जैसे गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटूट की उपाधि छोड़ दी लेकिन उसका रीजन असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करना नहीं था जलिया वाला बाघ कांड था तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है सी नंबर पे ये दिया है ए सही है परंतु आर उसका सही रीजन नहीं है अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए जो कोरम होता है किसी भी हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को मीटिंग अगर, अगर हमारे करनी है तो उसके लिए जो कोरम होता है उसमें मिनिमम मेंबर्स की संख्या कितनी होती है तीस सदस्य या हमारे दसवां हिस्सा सदन के कुल सदस्य का आधा सदन की कुल सदस्य का एक चौथाई या दस सदस्य या कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा कौन सा यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में सही है सोलवे नंबर का जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो वन बाई टेन हमारे होना चाहिए या वन बाई टेन या दस सदस्य दस सदस्य या वन बाई टेन अगर ये हमारे कंप्लीट जो भी अधिक है जो भी नंबर आपका अधिक है कहीं कहीं पर हमारे क्या है कि सीट्स कम है जैसे कि आप गोवा में देखेंगे जैसे कि आप हमारे अलग अलग सिक्किम में देखेंगे तो वहां पर वन बाई टेन कम है, है ना तो जिसकी वजह से वहां पर दस नंबर को आप लेंगे नंबर दस अगर सदस्य नहीं आए तो मीटिंग नहीं होगी और जहां पर ये नंबर दस से ज्यादा है वन बाई टेन दस से ज्यादा है जैसे उत्तर प्रदेश में दस से ज्यादा है है ना हमारे चालीस से ज्यादा लोग वन बाई टेन को कंप्लीट करते हैं तो वहां पर चालीस लोग अगर नहीं आए हैं तो मीटिंग नहीं होगी तो यहां पे डी नंबर ऑप्शन आपका सही है चलिए आगे चलते काकोरी हत्याकांड में हमारे राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक खान चंद्रशेखर आजाद शायद सभी लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में किस शहर में इनको फांसी दी गई थी आज भी मुझे वो डेट याद है बहुत अच्छी ढंग से 1925 की बात है अगस्त हमारा अगस्त का महीना था और ये काकोरी की काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 8-9 अगस्त की रात में तो अब उसके बाद से जो राम प्रसाद बिस्मिल है उनको फांसी दी गई थी कहां पर तो ये गोरखपुर की जेल में इनको फांसी दी गई थी है ना याद रखिये भारत में चापलूसी चापलूस खोर जो होते हैं ना वो बहुत पाए जाते हैं तो यहां पर गोरखपुर इज राइट आंसर बी नंबर इज राइट है अब यहां पे हमारी ईयर प्लान है और उनके यहाँ पे मॉडल दिए गए हैं ईयर प्लान और उनके मॉडल जैसे कि यहां पर देखेंगे चक्रवर्ती मॉडल है डोमर मॉडल है अशोक रुद्र मॉडल है एंड महान बोनिस मॉडल है अब आपको मैच करना है पहली दूसरी तीसरी और चौथी कौन किससे है तो आपने अगर ईयर प्लान नहीं पढ़ा है तो हर बार ईयर प्लान से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते और वो आपको बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है तो यहां पे अगर देखेंगे तो पहली फाइबर प्लांट को हम लोग मॉडल बोलते हैं मतलब ए का दो नंबर है मतलब आप इनको काट दीजिए यहां पे ए का दो नंबर हो जाता है सेकंड फाइबर प्लांट को हम लोग पीबी मॉडल बोलते हैं मतलब, मतलब दो का चार नंबर बी का चार तो बी नंबर तो यहां पे सही हो गया देखिए दो आते थे सही हो गया अब अगर आपको इनमें कंफ्यूजन था तो भी आपका आंसर ये सही होने वाला है है ना ये हमारे चक्रवर्ती मॉडल बोलते हैं और ये हमारा अशोक रुद्र मॉडल हो जाता है तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है अगला क्वेश्चन है हमारे गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया गया था तलवंडी में जन्म हुआ था सिख समुदाय की सिख समाज की शुरुआत की दी थी गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित किया था बाला लहना मर्दाना या श्रीचंद तो बीसवे का सही उत्तर क्या होना चाहिए तो यहां पे जो सही जवाब है वो है लहना लहना को उन्होंने अपना उत्तराधिक घोषित किया था तो बीसवे का बी नंबर सही है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हमारे यहाँ पर इनमें से कौन है जिन्होंने शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी इनके शासन काल में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है नसरुद्दीन मुहम्मद है है ना दरअसल कैसे नसरुद्दीन खुसरो अलाउद्दीन मुहम्मद शाह है किनके समय में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी तो हमारे यहाँ पे जो खिलजी वंश के अंतिम शासक हुए जिनका नाम खुसरो खुसरो नसरुद्दीन ये अपने शासनकाल में इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को भी स्थान दिया था तो यहाँ पे सी नंबर है इसीलिए हिस्ट्री को बहुत डिटेल में पूछा जाता है यूपी पीसीएस के एग्जाम में है ना तो ये सी नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हाल में किस सुल्तान ने साम्राज्य सीमाओं की सुरक्षा है तो एक विशेष सेना को नियुक्त किया था कि भाई हमारे जो जिस तरीके से मंगोलों के अटैक हो रहे थे है ना जिस तरीके से हमारे राजपूत राजाओं ने अपना जो है वो बगावत करनी शुरू की थी इन्होंने एक विशेष सेना बनाई थी उनका नाम क्या था तो मुझे लगता है कि शायद सभी को पता ही होना चाहिए तो विशेष सेना पहली बार जो बनाई गई थी वो थे हमारे बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने अपनी परमानेंट आर्मी बनाई थी दाग और प्रथा बहुत आसान क्वेश्चन जाएगा मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल अंतिम बंगाल के सूबेदार कौन थे जिनको हमारे आ, मुगलो मुगल एंपायर के द्वारा अंतिम तौर पर नियुक्त किया गया था तो यहां पे सही जवाब क्या होना चाहिए बिल्कुल तो यहाँ पे जो सही जवाब है बिल्कुल जितने लोग बोल रहे हैं सर ए नंबर होना चाहिए मुर्शिद कुली खान मुर्शिद कुली खान को बंगाल का अंतिम सूबेदार घोषित किया गया था वापस से उत्तर प्रदेश के कल्चर में आते हैं मेला भी देखिए एक आपने देखा था बलदेव का मेला मथुरा में होता है वो गलत था अब पूछा गया यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा मेला है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के आने की परंपरा चली आ रही है नौचंदी मेला बाबरो बाबा का मेला फुलडोल मेला या बटेश्वर का मेला कौन सा मेला है जिसमें हमारे हिंदू और मुस्लिम बराबर दोनों सम्मिलित होते हैं तो याद रखिएगा हमारे यहां पर जो वेस्टर्न यूपी है वहां पर होली के समय होली का जब समय आता है तो वहां पर एक मेला बड़ा प्रचलित है जिसको बोलते हैं नौचंदी का मेला यह अलीगढ़ से शुरू होता है फिर अलीगढ़ से बुलंदशहर जाता है बुलंदशहर से मेरठ जाता है और यह बड़ा फेमस मेला है नौचंदी का मेला जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का हमारे जाने की परंपरा है तो ए नंबर ऑप्शन ये वेस्टर्न यूपी में हमारा होता है अलीगढ़ से बाद से आगे के शहरों में यह जाता है अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे हमारे अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जो बनारस विद्रोह है ये अंग्रेजों के विरुद्ध किसने किया था बनारस के राजा कौन थे सुजुदौला असुद्दौला राजा चेत सिंह है या राजा महदीप नारायण सिंह है दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे जितने पढ़ने वाले लोग थे उसमें से फिफ्टी परसेंट लोग इसको बहुत आसानी से करके आ गए थे ये दोनों बिल्कुल नहीं था राजा चेत सिंह सी नंबर ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं सही जवाब हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है हमारे पूर्व मध्यकालीन शहरों के नाम और वर्तमान में शहरों के नाम क्या है कोयल है जिसको अलीगढ़ यहां पे दिया गया है महोत्सव नगर है महोबा है महोदय है, कन्नौज है जेजाग भुक्ति है कौसाम्बी है अब बोला गया भैया कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है सही से मैचिंग नहीं है तो दोस्तों वापस से पुराने शहर के नाम अगर आपने देखे होंगे तो कौसाम्बी जो है वो कौसम्बी बोला जाता था जेजाग भुक्ति जो है ये हमारे किसको बोला जाता था ये बुंदेलखंड का जो एरिया है बुंदेलखंड के एरिया को जुजाग भक्ति के नाम से जाना जाता था तो आपको ये डी नंबर के ऊपर टिक करना है ठीक है यहां पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में ये मैंने कई बार आपको कराया उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद आपको दिखाई देंगे पूरे इंडिया में 16 महाजनपद थे तो उत्तर प्रदेश में आपको कितने महाजनपद दिखाई देंगे छह है सात है आठ है या नौ है उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे ठीक है तो यहां पे उत्तर प्रदेश में जो महाजनपदों की संख्या थी सात थी तो यहां पे आपको बी नंबर के ऊपर टिक करना है ठीक है सोलह में से सात महाजनपद आपको यूपी में दिखाई देंगे अगला क्वेश्चन यहां पर एक लाइन दी गई थी दिन जन्म भयो फिलिंग द का धरती धसी अढ़ाई हाथ ये उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विभूति किसने लिखी है इसका संबंध किससे है किसने इसको लिखा है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ अढ़ाई जो हाथ है वो धरती धस गई थी तो वापस मैं बुंदेलखंड में आपको लेके जाना चाहता हूं यहां पर अभी एक बड़ी प्रचलित हमारी बड़ी प्रचलित आप देख पाएंगे कि पोयम है जिसको आला और उद्धल बोलते हैं तो आला उद्धल जो है ये आज भी बड़ी प्रचलित है बुंदेलखंड के एरिया में तो ये आल्हा के बारे में हमारे है तो आल्हा इज राइट आंसर ये आल्हा के बारे में लिखा हुआ है तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही है इनमें से किन राजाओं को जनता ने डायरेक्टली चुना था कौन से जो राजा थे जिनको जनता के द्वारा चुना गया था हर्षवर्धन है गोपाल है यशोवर्मन है नंदी वर्मन पल्लव मल है इनमें से कौन से राजा है? अब देखिए नीचे जब ये आ जाता है तो आपको परेशान करता है स्टेटमेंट है यहाँ पे एक दो चार है दो तीन चार है दो चार है या दो और तीन है तो दोस्तों यहाँ पर जो तो सही जवाब होना चाहिए 29 में हमारे जिन राजाओं को डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना गया था वो थे हमारे गोपाल है ना जो पाल वंश की शुरुआत की थी है ना इसके बाद धर्मपाल इनके सबसे शक्तिशाली राजा थे लेकिन गोपाल इज अ फाउंडर ऑफ पाल वंश और उसके आज से नंदी वर्मन ये दोनों को हमारे जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना गया था तो आप सी नंबर के ऊपर टिक करेंगे सी मतलब दो और चार इज करेक्ट दो और चार यहां पे सही जवाब हो जाएगा अब दोस्तों यहां पर हमारे जो चीन से आए हुए यात्री हैं उनके टेन्योर दिए गए हैं ज्यादातर यहां पे राजाओं के नाम दिए जाते हैं लेकिन यहां पर टेन्योर दिया गया और पूछा गया कौन सा गलत है फाय तीन से चौदह सौ चौदह छह से छह सौ छे से छ और हमारे छे से अल मसूदी तो बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन था ये ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन में अटके थे छोड़ के आए थे यहाँ पे जो सही जवाब है फायान और हेन ज्यादातर लोग पढ़ते हैं लेकिन आइसिंग के बारे में लोगों का ये तो पता है कि गुप्ता काल के दौरान आए थे लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं पता रहता है तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में आए थे 1976 से लेकर के ये हमारे छियासी तक दस सालों तक इनका टेन्यूर था बिल्कुल देखिए नजदीक भी लिखा हुआ है इसलिए काफी लोग इसको यहां पे नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे तो जो है यहाँ पे सही जवाब था सी नंबर तो तीस का भी यहाँ पे सी नंबर जवाब जो है वो सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे भी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमारे कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए प्राचीनतम प्राप्त हमारे जो प्रमाण में कृषि अन्न जौ और धान यहां पर आपको दिखाई देंगे ये हमारे पूछा गया कि भाई कौन सा कथन यहाँ पे सही है तो बहुत सारे प्राचीन स्थानों पे हमको दिखाई दिए और इसमें हमारे जौ धान अलग अलग जगहों पर दिखाई दिए तो इनमें से दोनों स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है है ना धान जौ है ना यही सारे कल्टीवेशन तो उत्तर प्रदेश में हमको होते हुए दिखाई दे थे गंगाटिक वैली में यही होते ही थे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन इकतीस के सही है तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है कभी कभी कोई बहुत आसान दे देता है कोई बहुत बहुत घुमा देता है अगला क्वेश्चन है भितरगांव हमारे कानपुर का फिर से जिक्र हो गया तो भितरगांव का जो मंदिर है कानपुर उत्तर प्रदेश में इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये पांचवी सदी में इसका निर्माण हुआ था छठवी सदी के मध्य में पांचवी छठी सदी के मध्य में इसका निर्माण हुआ ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इसका निर्माण भी बिल्कुल पांचवीं से छठी गुप्ता पीरियड के टाइम पीरियड में हुआ था और ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है लाल ईंटों से मंदिर बना हुआ है तो यहां पर भी हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोनों बी सॉरी हमारा ए और बी एक और दो दोनों सही हैं तो आपको यहां पर याद रखना है कि पांचवी से छठी कानपुर में है और ईटो से बना हुआ है साइंस का क्वेश्चन आया फाइनली साउंड वाइब्रेशन जो है ये हमें देखो मेरा मेरी आदत रही है मैं बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी करता हूं कि भाई सिर्फ हिंदी में नहीं कुछ लोग सर हिंदी में क्वेश्चन पढ़ना है जो लैंग्वेज में जो क्वेश्चन समझ में आता है उसमें पढ़िए आपके पास तो ऑप्शन है हिंदी में भी इंग्लिश में भी देखो मुझे ज्यादा जो हिंदी में समझ में आता है हिंदी में पढ़ लेता हूँ जो इंग्लिश में समझ में आता है साइंस इकोनॉमिक्स इंग्लिश में ज्यादा अच्छी चमकती है साइंस हमें साउंड वाइब्रेशन के बारे में पूछा गया है ये क्या होती है प्रोग्रेसिव एंड ट्रांसफर्स होती है स्टेशनरी एंड लॉग्नि होती है स्टेशनरी एंड ट्रांसफर्स होती है तो भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सितार की जो साउंड है सितार वो साउंड वेव क्या होती है तो साउंड वेव के बारे में आपको बताना चाहूंगा ये हमारी सबसे पहले तो मैकेनिकल वेब्स हैं और मैकेनिकल के साथ साथ ये हमारी कैसी होती हैं हमारी आगे बढ़ने वाली होती हैं आगे बढ़ती चली जाती हैं ठीक है ना आगे बढ़ती चली जाती है मतलब ट्रांसफर्स होती है तो यह हमारे स्टेशनरी और हमारे ट्रांसफर वेव्स मतलब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रगामी और अनुप्रस्थ तरंग यहां पे होगा ठीक है तो याद रखिएगा जो हमारे साउंड वेव्स होती हैं ये आ, मतलब जो सितार से निकलने वाली है ये स्टेशनरी और ट्रांसफर्स होगी आगे बढ़ती चली जाएगी और यह हमारे अगला क्वेश्चन है दो बल्ब एक जैसे हैं और उनको हम किस प्रकार जोड़े कि हमको मैक्सिमम लाइट मिले मैक्सिमम लाइट मिले मेरे पास दो बल्ब है अब इनको हम कौन सा कनेक्शन कि दोनों से हमें मैक्सिमम लाइट मिले ठीक है यहां पर अगर देखेंगे दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दे दोनों को समांतर में जोड़े कैसे जोड़े तो देखिए भाई अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो पहले वाले को इलेक्ट्रिस मतलब करंट ज्यादा मिलेगी फिर करंट कम हो जाएगी तो ये तो तेज जलेगा लेकिन ये भाई धीमा जलेगा लेकिन हमको क्या करना है अगर हम दोनों को बराबर जलाएं तो हमको बराबर रोशनी मिलेगी और इसके लिए हमको कैसा कनेक्शन करना पड़ेगा पैरलर कनेक्शन करना पड़ेगा मतलब दो नंबर ऑप्शन हमारे घरों में भी बिजली जो है वो पैरलर ही जोड़ी जाती है मतलब हमारा कनेक्शन जो है वो क्या होगा पैरलर ठीक है कनेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बी नंबर करेक्ट आंसर। मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो होता उसको क्या बोलते है? ये है टेसर सिल्क, हमको रेशम मिलता है उसकी बात करते तो यह है रेशम बी नंबर के ऊपर टिक करना है सही जवाब हो जाएगा अगला यहां पे हमारे सामने है, बीट uh, रूट दिया गया है इसमें चीनी होती है शहद ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज होता है कपास में सेलुलोज होता है मिल्क में लैक्टोज होता है पूछा गया इनमें से हमारा कौन से सही है कौन से सही है बीट रूट में शुगर है हनी में ग्लूकोज और फ्रेक्टोज है कॉटन में सेलुलोज है मिल्क में लैक्टोज है यहां पे तो मेरे को लग रहा है सारे के सारे सही है एक दो तीन चार सारे सही है डी नंबर बीट रूट में शुगर का स्टोरेज होता है शहद में देखेंगे तो ग्लूकोज भी होता है

सागर मैग्रो और घास का मैदान है तो बताइए भैया उत्पादकता के हमारे जहां पर उत्पादक आपको देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं उसके क्रम में आपको लगाना है तो यहाँ पे जो थर्टी सेवन का सही जवाब हो जाएगा वो है हमारे उत्पादक क्या होंगे हमेशा प्लांट को हम लोग उत्पादक बोलते हैं तो प्लांट जहां पर ज्यादा होंगे तो मैंग्रोव जो एरिया होता है वो बायोडाइवर्सिटी से भरा होता है सी नंबर उसके घास का मैदान देन उसके झील और फिर सागर तो यहां पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी यहां पे सी नंबर के ऊपर टिक करना है सही जवाब हो जाएगा अब यहां पे कंप्यूटर का क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या क्या डेली लाइफ का क्वेश्चन है हम ही लोग जाते हैं अपनी मेमोरी मोबाइल खरीदने से लेकर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये जरूर जानते हैं एक बाइट में एट बिट्स होते हैं एक किलो में हमारे एक हजार चौबीस बाइट होते एक गीगा बाइट में एक हजार चौबीस किलो बाइट होते अरे भाई साहब मेगा बाइट एम बी कहा चला गया है ना आजकल हमारी लाइफ से भी एम बी और के है लेकिन यहां पर हमारे क्या होता है यहां पे हमारे क्या होना चाहिए यहां पे हमारे वन के बी में वन हमारे सॉरी वन एम बी होना चाहिए ना यहाँ पे वन एम बी में हमारे एक हजार चौबीस के बी होता है फिर उसके बाद से वन गीगाइट आएगा उसमें एक हजार चौबीस एम बी होता है तो भाई यहां पे सी नंबर गलत लिखा हुआ है हमने सी नंबर पिक कर लिया आसान क्वेश्चन था भाई है ना अगला क्वेश्चन आपके सामने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है फिर से साइंस का क्वेश्चन आ गया ह्यूमन एयर आर मोस्ट सेंसिटिव एट थाउजेंड हर्ट्स ह्यूमन आईज बिकम मोस्ट सेंसिटिव फॉर रेड कलर हमारे प्रेजिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज वन बाई टेन सेकेंड एंड प्रेजिस्टेंस ऑफ विजन इज वन बाई सिक्सटीन सेकेंड अब इनमें से करेक्ट कौन सा ये पिक करना है तो भाई करेक्ट ऑप्शन पिक करना है क्या होना चाहिए यहाँ पे तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन थर्टी नाइन नंबर का जवाब क्या होना चाहिए तो ये हमारा जो सही जवाब है हमारे आंखों के लिए देखिए हमारी जो कान का सबसे बढ़िया होता है वो बीस से लेकर के बीस हजार हर्ष तक सुनते हैं तो ये आपका सही होना चाहिए हमारे आंखों का जो सबसे सही मोस्ट सेंसिटिव होती है वो रेड कलर के लिए होती है सिर्फ ये हमारा जो कथन है ये सही नहीं है बाकी हजार हर्ट्स हमारे लिए सबसे सही होता है वन बाई सेकेंड में हम जो है वो आ, हमारे सुनने के लिए परसिस्टेंस होता है में में हम में हम कोई भी चीज अगर हमारे आंखों के सामने जाए तो हम देख सकते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सही है एक हजार हजार हर्ड तक हम सबसे बढ़िया चीजें देख पाते हैं यहाँ पे जो रेड कलर है ये नहीं होना चाहिए हमारी आंखों के लिए जो सबसे सही होता है वो होता है ग्रीन कलर ग्रीन कलर इज बेस्ट सूटेबल फॉर वाइस यही गलत पूछा गया था हमने पिक कर लिया बी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों अभी उपवास का समय चल रहा है नवरात्रि है है ना बहुत सारे लोग नौ दिन का व्रत रहते हैं अब ये क्वेश्चन एक उपवास उपवास से से ही है दस दिन से अधिक करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा ग्लूकोज लेवल अधिक हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड घटने लगेगा ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगेगा भाई क्या प्रभाव पड़ेगा तो बहुत सारे लोग जो है ये क्वेश्चन में बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो रहे कि उपवास रहने से क्या इंपैक्ट पड़ता है तो हमारे सबसे पहले तो लीवर में ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है क्योंकि जो अनाज होता है इट इज अ रिच सोर्स ऑफ ग्लूकोज याद रखिएगा ग्लूकोज अनाज में पाया जाता है और ये अगर आपके बॉडी में नहीं जाएगा तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा ए नंबर है अब हां कई सारे ऐसे लोग हैं जो व्रत के नाम पर व्रत कम रहते हैं और खाने पीने में ज्यादा ध्यान देते हैं तो यहां पर जो सही जवाब है वो ए नंबर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स आफ्टर द फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन एनर्जी नीड इज हाइड्रो पावर विंड एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी या सोलर एनर्जी अभी जो हमारे पेट्रोल डीजल कोयला के बाद जो सबसे ज्यादा हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को फुलफिल कर रहा है वो कौन है जल विद्युत ऊर्जा वायु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा हमको कहां से मिल रही है तो सभी लोग इस चीज को थोड़े से थोड़े से लेकर के कंफ्यूज होंगे कि फॉसिल एनर्जी के बाद जो हमको सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है अब सोलर एनर्जी से सोलर जो हमारे सोलर जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है राजस्थान नंबर एक पर है हमारे उत्तर प्रदेश में भी सोलर पॉलिसी बनाई गई है है ना तो सूर्य ऊर्जा यहां पर हो जाएगी दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा से भी ज्यादा आप यहां पे सोलर एनर्जी के ऊपर टिक करेंगे डी नंबर ऑप्शन अभी के सिनेरियो में सही है अगला क्वेश्चन आपके सामने, चुना पत्थर, और इस्पात है अब आपको है ना भाई यहाँ पे सही क्या होना चाहिए देखिए लाइम स्टोन भैया चूने के पत्थर सीमेंट में होता है बिल्कुल सही है बिजली के लिए सबसे अच्छा कॉपर वायरिंग तुम लोग ढूंढते हो कॉपर वाइंडिंग वाले सामान देना तो ये भी यहाँ पे सही है बॉक्साइड हमारे अल्यूमिनियम है ना तो बॉक्साइड का एक और होता है तो बिल्कुल यहाँ पे मैग्नीज़ स्टील होता है सब सामने सामने लिखे बढ़ जाओ ये इस बार के हमारे दो हजार तेईस के प्री के एग्जाम में आया था दोनों में पूछा गया पूछा गया है कि नदी में जो तो जल प्रदूषण उसको हम किससे नापते हैं क्लोरीन की मात्रा जो घुली होती है ओजोन होता है नाइट्रोजन होता है घुली ऑक्सीजन होती है तो हमारे बायो बीओडी जिसको हम लोग यहां पर जानते हैं बीओडी तो बायो ऑक्सीजन डिमांड ये जो है ऑक्सीजन जो हमारे मात्रा घुली हुई है उससे हम मापते हैं तो डी नंबर ऑक्सीजन की जो डिजॉल्वनेस है है ना इससे हम मीजर करते हैं डी नंबर यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का सब हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है जो हाइड्रोजन सल्फाइड पोलेंट हमारा हो रहा है वो कहां से बन रहा है सड़े हुए वनस्पति पशु पदार्थ से ऑटोमोबाइल से तेल रिफाइनरी से या हमारे ताप विद्युत से यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए भाई तो यहां पे जो सही जवाब है हाइड्रोजन सल्फाइड का जो मेन जहां से हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे बड़ा पोलेंट है वो है सड़े हुए बनस्पति और पशु पदार्थ ए नंबर इज राइट आंसर याद रखिए किप उपकरण से हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा बनता है तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो है ए नंबर चलिए आगे चलते तुलसी का पौधा हमारा जो तुलसी का पौधा है ये एक औषधि की तरह काम करता है आप सभी देखा है लेकिन उसका कारण क्या है किस वजह से इसमें हमारा इनऑर्गेनिक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड होता है फिनॉल और फेबलेनाइट्स होते हैं लिथियम और बाइकार्बोनेट की वजह से किसकी वजह से तुलसी का पौधा जो है वो हमारा एक औषधि की तरीके मेडिसिन की तरीके इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा हाँ सी नंबर ऑप्शन से कौन सा पदार्थ अमीनो का सर्वोत्तम वो क्या है केला है दालें हैं अंडा है मछली है सभी तरीके के हमारे जो अमीनो एसिड की जरूरत है वो पूरी करता है तो हमारे साइंस बोलती है कि सभी अमीनो एसिड की जरूरत है एग पूरी करता है अंडा नेक्स्ट आपके सामने झिंझिनी है ना झिझिनी बिनी चादरिया ये किसके द्वारा लिखी गई है काफी जी है नीरजा जादव है अब्दुल बिस्मिल्ला है या अजय मिश्र है किसके द्वारा यह लिखी गई हमारी नॉवेल है झिंझनी बिनी चादरिया तो सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब है अब्दुल बिस्मिल्ला अब्दुल बिस्मिल्ला इज राइट आंसर सी नंबर यहाँ पे करेक्ट है सी नंबर इज राइट अब्दुल बिस्मिल्ला करेक्ट है नेक्स्ट है यहाँ पे इनमें से कौन सा सही नहीं मिलाया गया है कौन सा सही नहीं मिलाया गया आप बोलोगे सर इतनी पुरानी योजनाएं पढ़नी है, है। महिला समृद्धि योजना 1993 महिला सशक्तिकरण योजना 1998 महिला साम्राज्य योजना 1989 ना और महिला पोसा आहार योजना 2003 अब देखिए यहां पे अगर देखेंगे तो नेशनल पोसा आहार मिशन इसकी शुरुआत 2003 में यहां पर दिया गया है यहां पर लेकिन जो सही जवाब हो जाएगा वो है 2018 तो नेशनल पोसा आहार मिशन इसको 2018 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय पोषा आहार मिशन डी नंबर के ऊपर हमको यहां पे टिक करना है 2003 दिया हुआ है वो गलत है डी नंबर इज करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन यहां पे हमारे कुछ अधिनियम दिए गए हैं जैसे कि हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है एयर पोल्यूशन एक्ट है जल प्रदूषण अधिनियम है मैच करना है अस्सी छियासी इक्यासी और नाइनटीन कौन सा यहाँ पे सही होना चाहिए तो अगर हम यहां पे देखेंगे 49 का जो सही जवाब है वो है हमारा कौन सा डी नंबर डी नंबर ऑप्शन में आपका क्या दिख रहा है डी नंबर में में पहले का का हमारा हमारा क्या है ए पहला मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स में आया सभी को पता होगा हमारे यहां पर जो वायु प्रदूषण निवारण एक्ट है उन्नीस में आया और जल प्रदूषण उन्नीस सामने सामने लिखे थे है ना ये देखिए चिराग तले अंधेरा यहां पर हो गया अगला क्वेश्चन है

तो ये 2004 तक अपने प्रधान कार्यालय को इन्होंने चलाया था फुल टाइम जो इनका टेन्योर था 2004 तक था और उस समय इन्होंने ये सिक्स सूत्री जो प्रस्ताव है साउथ एशिया में लेकर के आए थे अटल बिहारी वाजपेयी बी नंबर इज करेक्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए कोई भी हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लाने का जो काम है वो संसद कर सकती है पार्लियामेंट कर सकती है वो कौन सा है आर्टिकल थ्री टू फिफ्टी टू है 249 है 250 है या 253 है? यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए 51 का तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लेकर के कोई भी कानून बना सकती है पार्लियामेंट ये हमारा स्टेट लिस्ट के ऊपर ये हमारा जो आर्टिकल टू फिफ्टी थ्री है यहां पर ये उनको पावर देता है तो टू फिफ्टी थ्री आर्टिकल के ऊपर आपको टिक करना है अब हम प्रियंबल की बात करते हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे प्रियम्बल में जो जस्टिस है न्याय की बात की गई है सोशल इकोनॉमिकल एंड कल्चरल है सोशल पॉलिटिकल एंड कल्चरल है सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल है किन सेंस में यहां पर हमको क्या करने की हमको जस्टिस की बात की गई है फिफ्टी टू का सही जवाब क्या होना चाहिए यहां पर जो सही जवाब है हमारे जस्टिस की जो बात है सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकली ऑल वी हैव गेट द जस्टिस तो यहां पर हमारे पियम्बल को अगर आप देखेंगे डी डी नंबर नंबर ऑप्शन आपका सही है 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 के ऊपर आपको टिक करना ठीक है। है? चलिए आगे चलते हैं सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इज करेक्ट आंसर 53 थ्री हम देखेंगे इनमें से कौन सी अनु, कौन सी भाषा को आठवीं अनुसूची में, में सम्मिलित नहीं किया गया था नाइनटीन में तो दोस्तों देखिए यहां पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था है ना क्योंकि हमारे यहां पे 92 अमेंडमेंट के तहत संविधान संशोधन के तहत ये चारों भाषाओं को मैथली, संथाली बोन्डो और डोगरी ये चारों भाषाओं को 2003 में सम्मिलित किया गया था अब यहां पर आठवीं आठवीं अनुसूची में तो यहां पर मैथिली संथाली और डोंगरी यहां पे सारी हो जाएंगी ये नाइनटीन में हमारा

हमारे राष्ट्रपति भी थे और साथ ही साथ इनको यहाँ पे सौंपा गया था हमारे देश के लोकसभा का भी कार्यभार उसके पहले राष्ट्रपति बनने के पहले तो वो थे संजीव संजीव रेड्डी रेड्डी पे डी नंबर ऑप्शन आपका सही है है के ऊपर आपको टिक करना इनमें से कौन सा सही नहीं है प्राइमरी एनर्जी टाइडल एनर्जी टाइडल पावर कॉमर्शियल एनर्जी तेल और गैस है हमारे नॉन कॉमर्शियल एनर्जी एनिमल्स डग है नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी सोलर सिस्टम है कौन सही नहीं यहां पर हमारे मिलाया गया है बताए भाई क्या होना चाहिए तो ये है फिफ्टी फाइव नंबर वाला क्वेश्चन सही जवाब क्या होना चाहिए ठीक है तो हमारे जो प्राइमरी एनर्जी होती है बेसिकली हमारे जो प्राइमरी एनर्जी जो हमें नेचर से मिलती है है ना जैसे कि हमारा सोलर हो गई विंड हो गई तो ये प्राइमरी एनर्जी में जो ज्वारी शक्ति है ये यहाँ पे सही नहीं है यहाँ पे प्राइमरी एनर्जी तो आप यहाँ पर ज्वारी शक्ति को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं जो डायरेक्टली हमारे एनर्जी में कन्वर्ट होती है ठीक है तो ए नंबर ऑप्शन यहां पे सही है अगला क्वेश्चन है यूपी की टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत वर्कफोर्स है मतलब वो काम कर रहा है काम कर रहा है प्रोडक्शन कर रहा है उसके बदले वो हमारे पैसा मिल रहा है कितना परसेंट ऐसी हमारी तो टोटल पॉपुलेशन के लोग हैं तो हमारे यहाँ पे अगर 100 लोग हैं तो 100 में से तेईस दशमलव सात प्रतिशत ही लोग केवल प्रोडक्टिव हैं और ये लोगों के ऊपर बाकी के लोग डिपेंडेंट है तो बी नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे टिक करना है यहाँ पे तेईस दशमलव सात परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय हमारे जो विरासत शहर है जो कि हमारे प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए हैं उनके लिए हृदय स्कीम को चलाया गया था और इसमें कौन सा हेरिटेज सिटी नहीं सम्मिलित है आगरा गया पुरी वारंगल तो बौद्धिज्म हिंदुज्म जैनिज्म से संबंधित जितने शहर थे उनको विकसित करने के लिए हृदय स्कीम की शुरुआत की गई तो याद रखिए मैंने यहाँ पे क्या क्या नाम लिया हिंदुइज्म जैनिज्म और बुद्धिज्म तो कौन सा यहाँ पे इनमें शहर नहीं आता है तो आगरा शहर जो है यहां पे इसमें नहीं सम्मिलित किया गया था बारह उन शहरों में नहीं था तो आपको आगरा के ऊपर टिक करना था अब ये 2020 में जो कृषि कानून आया था उसके ऊपर है यहां पे जो हमारे ट्रेड और कॉमर्स बिल 2020 का आया था फॉर्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल इसमें कौन सी चीज को मैंशन नहीं किया गया था हमारे एसेंशियल कॉम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट एंड कम्युनिटी खैर अब ये बिल्कुल समाप्त कर दिया गया इसका कोई अब अर्थ नहीं है लेकिन वहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सी नंबर ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे सही किया था तो अब इसका कोई वैल्यू नहीं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे भांड पंथार है ना भांड पंथार ये कौन से राज्य में हमारे पाए जाने वाली एक फोक ड्रामा है भांड पंथार जो डांस है ये कहां पर होता है जम्मू कश्मीर गुजरात यूपी या असम सही जवाब क्या होना चाहिए भाई तो वापस से अगर हम देखेंगे 59 का जो सही जवाब है चलिए तो जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में यह हमारा फोक ड्रामा या फोक डांस होता है तो जम्मू कश्मीर में भाड़ पंथार है सबरी संकल्प अभियान किससे संबंधित है जो लोग गरीबी रेखा के नीचे और उनकी नीचे हैं उनकी सहायता से महिलाओं के सशक्तिकरण से स्वयं सहायक समूहों की योजना है राष्ट्रीय पोषण अभियान है सबरी संकल्प अभियान किससे संबंधित है तो अगर हम लोग नंबर नंबर की बात करते हैं तो 60 का जो सही जवाब है सबरी संकल्प जो योजना है वो हमारे संबंधित है राष्ट्रीय पोषण अभियान से राष्ट्रीय पोषण अभियान डी नंबर में आपको यहाँ पे टिक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे हमारे कुछ लोकगीत दिए गए हैं यहाँ पे उनका गायन अवसर दिया गया है चैती कजरी रसिया सोहर अब आपको मैच करना है भाई ये कब गाए जाते हैं तो देखिए सोहर तो हम सभी को याद होगा ना भाई सोहर हमारा गाया जाता है जब हमारे यहाँ पे किसी हमारा क्या होता है जब बच्चे का जन्म होता है उस समय गाया जाता है तो शायद यहाँ पे संस्कार गीत हम बोल सकते हैं इसको ठीक है ना तो ये होता है अब चैती कजरी और रसिया आपको मैच करना है तो भाई क्या होना चाहिए इसका सही जवाब चलिए तो हमने देखा कि सोहर सोहर नहीं गाया जाता जब बच्चे का जन्म होता है तो इसको हम लोग संस्कार गीत बोलते हैं तो डी का वन है तो डी का वन केवल एक में तो मैंने सिर्फ यही पिक करके यहाँ पे कर लिया था तो डी का वन सिर्फ एक में तो सोहर गाया जाता है जब बच्चे का संस्कार होता है है ना जब उसका मुंडन संस्कार होता है जब उसका कई सारे बच्चे के जन्म के समय होता है तो ये गीत गाते हैं। तो डी का वन है और इसीलिए इसका जवाब ए है बाकी का मैच कर लेते हैं चैती गाते मौसमी गीत है चैती कजरी हमारे कहां पर गाया जाता है तो ये विवाह विवाह के समय गाते हैं और रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है ब्रज का बहुत फेमस है रसिया तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं एक भी आता है तो आप कर सकते हैं अगला क्वेश्चन बड़ा ही ज्यादा पेचीदा था हमारे रिजर्व बैंक के जो गवर्नर इनके क्रॉजिकल ऑर्डर को अरेंज करना था भाई नहीं पूछा कौन पहले आया कौन नहीं था पूछा इनके क्रोजिकल ऑर्डर में लगाइए सी रंगराजन है आई जी पटेल है डी सुब्बाराव है मनमोहन सिंह है तो भाई अब हमको कैसे अरेंज करना था मनमोहन सिंह का तो मुझे टेन्योर 1982 से 85 तक का मुझे ये टेन्योर याद था अब उसके बाद से सुब्बाराव जी का टेन्योर अगर देखेंगे तो कुछ दो के करीब था ठीक है ये सबसे लास्ट होने चाहिए रंगराजन जी का 1997 से लेकर के 2002 तक का था टेन्योर और आईजी पटेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका सबसे पहला था 1977 से सो so और तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम आता है सेकंड नंबर हमारे आईजी पटेल सेकंड नंबर कहां पे है पहले काट दो यहाँ पे सेकंड नंबर इन दोनों में अब उसके बाद से आते मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह चार नंबर कहां पे बी नंबर में तो भैया बी नंबर कर दो बाकी का टेन्योर है तो भाई देखिए आप आपको स्पीकर पूछ सकता है गवर्नर पूछ सकता है हमारे देश के अलग अलग राष्ट्रपतियों का टेन्योर वो आसान हो जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए देखिए यहाँ पे पूछा गया पेचीदा क्वेश्चन था इसको अगला क्वेश्चन आपके सामने है हमारे एक करोड़ से पांच करोड़ तक के बिजनेस को जिनका होता है वैल्यूएशन उसको क्या बोलते हैं टिनी हमारे स्मॉल माइक्रो मीडियम तो यहां पर जो सही जवाब है इसको माइक्रो बोला जाता है माइक्रो एक से पांच करोड़ तक के जो कारोबार होता है उसको माइक्रो सिक्सटी थ्री यहां पर अगर देखेंगे तो माइक्रो सही किया गया देखिए ये जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये जो ऑफिशियल जो उन्होंने सही किया है हो सकता है कुछ में डिस्प्यूट आपको हो है ना लेकिन जो ऑफिशियली जो सही किया गया था यूपीपीएससी के द्वारा वो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं जो यहां पर आप देखेंगे जिसके आधार पर आपकी आंसर सीट चेक हुई थी ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है और तो क्वेश्चन और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो ये सतर होना चाहिए तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है हमारी पूरी नेशनल इनकम में सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो है सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर या ट्रेड सेक्टर यहां पर हमारी जो पूरी जितनी भी हमारी बोल सकते हैं कि इनकम के सोर्सेज होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी उसमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो हमारा आवश्यक है वो सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा इनकम आ रही है ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ई राशन कार्ड शुरू करने वाला राशन कार्ड नहीं ई राशन कार्ड शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था गुजरात महाराष्ट्र यूपी यूपी या दिल्ली अब देखिए ये गुज... हमारे यूपी का क्वेश्चन है तो यूपी सही होना चाहिए और यहाँ पर ई राशन कार्ड सबसे पहले उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया यूपी इज राइट आंसर इनमें से हमारे कौन सा गलत है ठीक है इंग्लिश में पढ़ूंगा इसका ई इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब है सीपीयू सेंट्रल अच्छा कंट्रोल है तो ये गलत हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कंट्रोल लिखा हुआ है उसके आपको बता है कि अगर कोई किसान एक से दो हेक्टेयर तक की खेती की जमीन होल्ड करता है तो उसको क्या बोलते हैं मार्जिनल फार्मर बोलते हैं बिग फार्मर बोलते हैं मीडियम बोलते हैं स्मॉल बोलते एक से दो हेक्टेयर तक की जमीन जिसके पास है उसको क्या बोला जाता है तो भाई यहां पे अगर हम देखेंगे 69 का जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल फार्मर एक से दो हेक्टेयर तक की जमीन डी नंबर हम लोग स्मॉल फार्मर बोलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारी पहली रबर बेस्ड टायर मेट्रो कहां पर बनाई जा रही है रबर बेस्ड अभी तक आप लोग देख रहे हो मेट्रो के टायर कैसे होते हैं ना अब रबर बेस्ड मेट्रो टायर कहां पर बनाई जा रही है तो याद रखिएगा ये नासिक में नासिक में डी नंबर ऑप्शन नासिक बनाया जा रही थी उस समय करंट अफेयर्स का था इसलिए आपके एग्जाम में सही ये क्वेश्चन पूछा गया तो 71 का सही जवाब है नासिक अब चलते हैं 72 नंबर वाले क्वेश्चन में बी नंबर पे है इनमें से ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है ब्रेंट इंडेक्स क्रूड ऑयल से है तांबे की कीमतों से है गोल्ड फ्यूचर हमारे ब्रेंट इंडेक्स का रिलेशन किससे है तो वापस से हमारे जो ब्रेंट इंडेक्स यहां पर जो रिलेशन पूछा गया था सेवेंटी uh, टू यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है ए, एक नंबर मतलब हमारे जो क्रूड ऑयल प्राइजेस उससे संबंधित है ये टिक करना था कासी भाई काशी लालिमा एक प्रजाति है गाजर भिंडी प्याज या टमाटर काशी लालिमा ये हमारे किसकी एक प्रजाति है सेवनटी थ्री में ये हमारे क्वेश्चन था और यहाँ पे जो सही जवाब है लालिमा देख करके मुझे टमाटर लगा गाजर लगा लेकिन इसका जो सही जवाब यहाँ पे किया गया था वो था भिंडी है ना और का जिसको भिंडी बोलते हैं लेडी फिंगर वो सही जवाब है तो काशी लालिमा ये भिंडी का एक प्रकार है लालिमा देख करके मुझे टमाटर लगा था जब मैं एग्जाम दे रहा था कौन सा तत्व तो सरसों की तेल की कीमत बढ़ाने के लिए अत्य, अत्यधिक उपयोगी है मात्रा बढ़ाने के लिए मोस्ट हेल्पफुल फॉर इनहेंसिंग द ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड क्रॉप अगर मुझे मस्टर्ड क्रॉप बढ़ानी है मैं किसान हूं तो मैं कौन सी चीज डालू एग्री कैल्सियम डालू सल्फर डालू जलस्ता या लोहा तो देखिए भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस मिलते हैं यहां से अब अगर आप देख रहे होंगे तो तीन चार क्वेश्चन ऐसे बन चुके हैं अभी तक में तो हमारे मस्टर्ड में सल्फर की अगर आप मात्रा बढ़ा रहे हैं अपने खेतों में तो क्रॉप आपकी बढ़ेगी सरसों तेल बढ़ेगा मतलब सरसों की खेती बढ़ेगी तेल नहीं सरसों का सरसों का प्रोडक्शन ज्यादा होगा <laughs> तेल उसमें ज्यादा निकलेगा राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहां पर है जो इंटरनेशनल पोटैटो हमारा इंस्टीट्यूट है इसका केंद्र कहां पर देखने को मिलेगा तो फाइनली यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा हमारे अंतरराष्ट्रीय पूछा गया है याद रखना अंतरराष्ट्रीय नॉट हमारा नेशनल नेशनल है वो शिमला में वो ठीक है मैं सभी सभी समझ पहले लगे ये इंटरनेशनल पूछा गया है और यहाँ पे सही जवाब है लीमा जो कि पेरू की, की कैपिटल है वहां पर देखने को मिलेगा कई सारे लोग शिमला लगा के आए थे वो गलत है भाई साहब इन्होंने भी देखो शिमला लगाया है <laughs> लगा हुआ बिंदी यहाँ पे बिंदी नहीं लीमा इज राइट आंसर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इनमें से ट्यूबवेल सिंचाई में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा है ट्यूबवेल तो भैया यहाँ पे ट्यूबवेल की सिंचाई में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर एक का राज्य है तो ट्यूबवेल की सिंचाई अगर आप देखेंगे तो नंबर एक का जो है वो मुझे लगता है यूपी इज ऑन टॉप यूपी में ट्यूबवेल छिहत्तर में हाँ ट्यूबवेल सबसे ज्यादा यूपी में उत्तर प्रदेश नंबर एक पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से देखिए एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से वो फैलो भादावरी गाय सिंधी जमुना पारी बकरी है भेड़ थार थारकर है पारकर है तो यहां पे कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको पिक करना है तो अगर यहां तो सुमेलित नहीं था वो था भेड़ करके है एक क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आएगा कौन की ब्रीड याद कर लो भैंस की याद कर लो बकरी की याद कर लो पूछा जरूर जाता है हर बार पूछा जाता है तो ये देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि नाइजर जिसको राम तिल बोलते हैं हम लोग है ना कि फसल एक तेल की फसल है इसके बीजों में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है जो राम तिल होता है ना जिसको हमारे यहाँ पे देखिए वहां पे नाइजर अब वहां पे पढ़ोगे तो नाइजर मत चले जाना राम तिल होता है जिसका तिलकुट बनाया जाता है खासतौर पे जब मकर संक्रांति आती है तो उसमें तेल की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है सेवेंटी का यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए तो यहाँ पे जो सही जवाब है यहाँ पे थर्टी से फोर्टी तेल की मात्रा भरपूर होती है ये देखिए सही जवाब हो जाएगा अगला क्वेश्चन है गुटी लगाने का कार्य हम किस उद्देश्य से करते हैं कीटों के नियंत्रण में के लिए इसको हमें बढ़ाना है तो वेजिटेशन प्रोपोगेशन वनस्पति प्रसारण के लिए बी नंबर सही है अगला क्वेश्चन है आम लीची नारियल सेब ये हमारे सबसे बड़े उत्पादक राज्य दिए गए मैच करना है तो चलिए जल्दी से मैच करते हैं भाई तो आम मलियावादी आम हो या दशहरी आम हो हमारे यूपी में नंबर एक का होता है लीची मुजफ्फरपुर बिहार में नंबर एक पर होती है नारियल केरल में सबसे ज्यादा होता है और सेब कश्मीर हिमाचल में होता है तो भैया पे चार नंबर कहां पे ए ए का का नंबर नंबर है पे इन दोनों को हटा दो फिर हमारे लीची उत्तर प्रदेश लीची बिहार में होता है तीन नंबर दोनों में है अब यहाँ पे सेब जम्मू कश्मीर डी का वन कहां पे इसमें है ना डी का वन हमने सी नंबर को टिक कर दिया क्योंकि सी इसका सही जवाब है खत्म अगला क्वेश्चन क्या है इनमें से कौन सा कथन हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सही है भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, है भैया देखिए गन्ने का मान लिया सबसे ज्यादा होता है तुमने दूध बोला वो भी मान लिया लेकिन चावल में भारत नहीं है भाई भारत में चाइना नंबर एक पर चाइना है चीन नंबर एक पर है तो भैया एक और दो सही है तीसरा वाला गलत है इनमें से कौन सा सही है हमारा एक और दो सही है तीसरा वाला गलत है डी नंबर पे दिया है अब आपके सामने यहाँ पे भाषाएं दे दी गई हैं डेनिस डच मदारिन और बहसा भाई डेनिस सही है भाई डच सही है नीदरलैंड के डच लोगों को डच भी बोलते हैं मदारिन चाइना में बोली जाती है है ना मदारिन मदारी की वाइफ को मदारिन बोलते हैं और थाईलैंड में बहसा ये हो गया गलत यहाँ पे इंडोनेशिया होना चाहिए इंडोनेशिया में बहसा लैंग्वेज बोली जाती है सर हो गया यहाँ पे दूसरों से बहुत आगे निकल क्योंकि ये दोनों तो सही थे अब इन दोनों में आपको फिफ्टी फिफ्टी यूज करके कौन सा होना है वो कर सकते थे तो यहाँ पे सा है अगला है यहाँ पे जलोड काली लाल और मरुस्थली राजस्थान यूपी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश ये भी क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा आसान ही लगा है ना इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल पंजाब हरियाणा में पाई जाती है काली मिट्टी गुजरात महाराष्ट्र में पाई जाती है मरुस्थली मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है लाल मिट्टी यहाँ पे तो यहाँ पे एक का दो है? एक का दो यहीं पर दिया गया बाकी का तो मुझे लगता है सब गलत है एक का दो बाकी का तो सब सही मिला ही होगा आई होप सो बी का तीन सही है हाँ सही है भाई अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से शहर उत्तर प्रदेश का मिलेनियम शहर नहीं था मिलेनियम मतलब दबा करके जहां पर हमारे आबादी नहीं थी आगरा प्रयागराज मेरठ या मुरादाबाद कौन सा शहर मिले शहर नहीं था तो याद रखिएगा मुरादाबाद आगरा प्रयागराज मेरठ ये हमारे मिलेनियम शहर थे लेकिन मुरादाबाद नहीं था बाबू तो मुरादाबाद के ऊपर टिक कर देना है पीतल नगरी जरूर है अगला क्वेश्चन है हमारे भारत शहरी वेदशाला जिसको ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी ये कौन से शहर पर है देहरादून नई दिल्ली चंडीगढ़ बनारस तो देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू हो गए सबसे अच्छी चीज अभी तक के हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस में करंट अफेयर सीधा सीधा पूछ रहा है जैसे कि ये 85 का यहाँ पे जो सही जवाब है वो है नई दिल्ली है ना तो यहाँ देखिए नई दिल्ली है इसी तरीके से यहाँ पे नीति आयोग की एक रिपोर्ट पूछी गई थी कि कौन सा दस जिलों में नहीं है पंजाब नहीं लेकिन अब ये नहीं पूछेगा अब तो पुराना लेकिन अच्छी चीज क्या है अभी पीसीएस में स्टेटमेंट करंट अफेयर्स वाला पूछ रहा है जितने भी स्टेट है लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में देखेंगे वन लाइनर में ही है इनमें से धूप चोटी ये देखिए अब जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया धूप चोटी में से राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित है तो हमारे धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अगर यहाँ पे देखें सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी लेकिन आप पूछा गया कौन से नेशनल पार्क में है, तो सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही है ए नंबर ऑप्शन आपका सही है क्स्ट देखते इनमें से सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो हॉट स्पॉट देखने को मिलता है बायोडाइवर्सिटी का वो कौन सा ये यार ये दस सालों में कम से कम हमें बहुत बार अलग अलग एग्जाम में देखने को मिला पश्चिमी घाट है बी नंबर ऑप्शन सही है मार के सीधे आगे बढ़ जाएंगे हलुआ क्वेश्चन था इनमें से हमारे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग कम ज्यादा ज्यादा और ज्यादा तो अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम और हमारे नागालैंड है इनको अरेंज करना है तो 2011 की जनगणना यहां पे पूछी गई है साफ तौर तो पर तो तो उसके बाद से हुई नहीं है इसीलिए भैया लगातार पूछी जाती है यहां पे सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश है मेघालय नागालैंड और मिजोरम अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है फिर मेघालय में फिर नागालैंड में और सबसे ज्यादा जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो मिजोरम में सबसे ज्यादा है तो मिजोरम और लक्षद्वीप दो ऐसे हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर उनकी जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा शेड्यूल ट्राइब है तो मिजोरम यहां पर आप देख पाएंगे फिर उसके बाद नागालैंड मेघालय अरुणाचल प्रदेश ए नंबर यहां पे सही जवाब है आपको बता दें इनमें से हमारे सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो कौन से यूनियन टेरिटरी में पूछा गया भाई साहब दमनदीप चंडीगढ़ अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तो यूनियन टेरिटरी में अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा लेकिन सबसे कम पूछा गया तो वह दमनदीप है यहाँ पे छे सौ सतहत्तर अराउंड एक हजार में छे सौ सतहत्तर या छह सौ लड़कियां हैं और अगर हमारा राज्य पूछेगा तो हरियाणा है हरियाणा जो है वो हमारा देखने को इंडिया में नौ सौ चौतीस ओवरऑल सेक्स रेशियो था एक हजार लड़कियों पे है ना ये याद रखिएगा और मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दी गई थी तो इन्वायरमेंट से संबंधित ये थ्योरी थी मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी ये हमारे किसके द्वारा दी गई थी बताइए तो दमनदीप वहां पे सही जवाब था ठीक है नाइन फोर्टी थ्री है भाई नाइन फोर्टी थ्री पर एक हजार लड़कियों में एक हजार लड़कों में नाइन फोर्टी थ्री इंडिया का सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार तो दमनदीप सबसे कम है तो मोनोक्लाइमेट जो सिद्धांत है ये किसने दिया था एफ वाई हमारे

जो स्मार्ट सिटी योजना 2020 के लिए दी गई थी उसमें विजेता किसमें हमारे सोशल एस्पेक्ट कैटेगरी में विजेता शहर कौन था तिरुपति भोपाल जयपुर या बनारस इस बार आपने देखा कि हमारे स्मार्ट सिटी में इंदौर ने बाजी मारी है अभी हम यहाँ पे पूछ रहे भाई कौन सा विजेता हमारा सिटी था तो ये हमारे 94 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा ए नंबर मतलब तिरुपति यहाँ पे सही था तिरुपति इज राइट आंसर ग्यारह की जनगणना के अनुसार मलिन बस्तियों का प्रतिशत सबसे कम जो स्लम पॉपुलेशन है सबसे कम कहां पे था अहमदाबाद जयपुर लखनऊ या बेंगलुरु जो स्लम एरियाज है है हमारा जो है, वो सबसे कम कहां पे था तो 95 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में आप यहां पे देखेंगे अहमदाबाद को यूनेस्को हेरिटेज भी घोषित किया गया था तो 95 का जो सही जवाब है वो है ए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वापस हमारे किसका हमारे इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट दो पे आधारित क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट पर हमारे जो स्टेट है वो कौन सा है मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स पे पूछा गया सबसे ज्यादा पे नागालैंड मेघालय मिजोरम मणिपुर अब यहाँ पे मिजोरम नहीं करना यहाँ पे पूछा गया ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा कहां पे तो नागालैंड में सबसे ज्यादा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे फिर से ये नंबर हो जाएगा नाइनटी देखते वन धन योजना के लिए हमारे भारत सरकार ने किस राज्य को पुरस्कृत किया था अगस्त दो

बिल्कुल सही जोगा नाइनटी तो एट का सी नंबर ऑप्शन आपका सही है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है समुद्री चक्रवात उस समय आया था है ना ये बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर कैस्टिन सागर या अरब सागर ताउक के हमारे जो है वो एक आ, हमारे ग्रिगिट के नाम पर इसका नाम रखा गया था और ये उस समय बड़ा चर्चित तूफान था ये कहां पर आया था तो याद रखिएगा ये हमारे अरब सागर में आया हुआ तूफान था ताउते

यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो है हमारे विकलांगों के कल्याण की वृद्धि करना विकलांगों के लिए मतलब जो हमारे हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए ये संगम योजना की शुरुआत की गई थी ठीक है यहाँ पे चार संस्कृति के चार अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है महावीर प्रसाद द्विवेदी रामधारी सिंह दिनकर मैथिली शरण गुप्त है या जयशंकर प्रसाद है यहाँ पे क्या है संस्कृति के चार अध्याय इस किताब के लेखक कौन है चलिए तो ये हमारे 2022 का जो क्वेश्चन था 102 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है रामधारी सिंह दिनकर इस करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन आपका सही है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है 103 में हमारे अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित है न्याय आपके द्वारा टीकाकरण से स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत हरित ऊर्जा से ये किससे संबंधित है भाई अखिल भारतीय अभियान एक पहल एक पहल यहाँ पे पूछा गया किससे संबंधित है तो एक पहल जो है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक अभियान था उस समय चल रहा था जिसको आप यहाँ पे आ, हमारे जुडिशरी डिलीवरी एट डोर डोर स्टेप पे शुरू किया गया था है एक सौ तीन का जो सही जवाब है वो है ए नंबर न्याय आपके द्वार जस्टिस डिलीवरी एट डोर दो, स्टेप सही है जिबूती कोड कंडक्ट इज रिलेटेड टू कांगो ड्रोनी का संरक्षण है हमारे पायरेट्स जो हम ए, ए, इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था उसके बाद से हमारे नैतिकता घोषणा है या परमाणु प्रशिक्षण संचालन है जिबोती कोड कंडक्ट किससे संबंधित है तो यहाँ पे सही जवाब जाएगा बी नंबर हमारे जो पायरेट्स मरीन टाइम ग्रुप ने जो इंटरनेशनल मरीन टाइम ग्रुप ने पायरेसी को पायरेट्स को रोकने के लिए जो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था जिबोजी से उसको हमारे चालू किया गया था जिबोती से तो उसको हम यहाँ पर देख पाएंगे करंट अफेयर्स का वैश्विक जलवायु हमारे जो सूचकांक सिंह किस संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है क्लाइमेट रिस्क रिडक्शन ये रिपोर्ट कौन लेके आता है इनवायरमेंट हमारा प्रोग्राम है जर्मन वॉच है हमारे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट जिसमें भारत की रैंक भी पूछी गई थी यूपी पीसीएस के एग्जाम में क्या होना चाहिए तो 105 का जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वो है बी नंबर मतलब यहाँ पे जर्मन वॉच नाम की कंपनी है जो इस रिपोर्ट को तैयार करती है बी नंबर इज करेक्ट अब्राहम अकॉर्ड जो है इस पर साइन करने वाले देश कौन कौन से हैं अब्राहम अकॉर्ड और ये वापस से काफी चर्चा में है फिर से अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करने वाले देश कौन कौन से हैं देखिए अब्राहम अकॉर्ड इजराइल यूएई मिस्र बहरीन और लीबिया के बीच में साइन किया गया है तो बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब नहीं है यहां पर तो बी नंबर इज करेक्ट बी एक का कौन सा सही जवाब है तो 106 का जो सही जवाब है नहीं नहीं यहाँ पे हमारा 106 का सी नंबर इजराइल यूएई और बहरीन है यहाँ पे नहीं ये हमारे जो यूएई इजराइल और बहरीन के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया है याद रखिए सी नंबर यहाँ पे सही तो 106 का जो है वो सी नंबर ऑप्शन सही है अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त दो में किस सरकारी उद्यम ने समझौते पर हस्ताक्षर किया इंडिया की कौन सी जो है वो डिफेंस कॉरिडोर जो कि हमारे कहां पर बुंदेलखंड का जो एरिया है यहां पर ये डिफेंस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है इसको किसकी मदद से बनाया जा रहा है भारत अर्थ है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड लिमिटेड है है डायनेमिक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है या मिस धातु निगम लिमिटेड है किसके द्वारा ये डिफेंस कॉरिडोर की हमारी शुरुआत की जा रही है बुंदेलखंड के एरिया में उत्तर प्रदेश के तो सही जवाब क्या होना चाहिए तो 107 का जो सही जवाब है वो है बी नंबर ऑप्शन भारत डायनेमिक लिमिटेड ये बी नंबर के ऊपर आपको टिक करना है आरबीआई के गवर्नर ने हमारे किताब लिखी थी 2021 में उसका नाम क्या है फ्यूचर ऑफ इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स इमर्जिंग इंडिया या हमारे इंडियन स्टोरी आरबीआई गवर्नर के द्वारा 2021 में किताब को हमारे पब्लिश किया गया था उसका नाम क्या है तो 108 का जो सही जवाब है वो है डी नंबर द इंडिया स्टोरी ये बुक है बिमल जालान की याद रखिएगा जो कि हमारे एक नंबर का सही जवाब है 109 में यहां पर देखेंगे कलियारी पिट्टू थांगता मलखम गटका ये सब हमारे एक तरीके से मार्शल आर्ट और अलग अलग प्राचीन कलाओं के एग्जाम्पल है यूथ खेलो इंडिया यूथ गेम में इनमें से किन को सम्मिलित किया गया है किनको सम्मिलित किया गया है 109 में तो खेलो इंडिया यूथ गेम में किसको सम्मिलित किया गया त्योहार ट्रिकी क्वेश्चन तो है एक दो तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा एक दो और तीन चार इन चारों को सम्मिलित किया गया है हमारे यूथ गेम्स में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क किस शहर में खोलने की घोषणा की हम अपना पहला मेगा फूड पार्क कहां पे खोल रहे हैं तो ये है जयपुर हमारा फनीधर है लुधियाना या कोची है तो पहला फूड मेगा पार्क ये कहां पर खोल रहा है इटली कहां पर अपना खोल रहा है तो यहां पे सही जो फनीधर फनीधर इज राइट आंसर यहां पे दस का सही जवाब है फनीधर चलिए आगे चलते बी नंबर सही था किससे संबंधित है बी ये नासा के दो बनाए ये किस मून वीनस मंगल या बृहस्पति तो वरिटेक्स एंड द विंची ये नासा के जो मिशन है ये किससे संबंधित थे जो पिछले साल काफी ज्यादा चर्चा में भी थे यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ये हमारे वीनस से संबंधित है शुक्र से यहाँ पे इनका सही था उत्तर प्रदेश की पहली है ना ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा कहां पे शुरू की गई केबल आप सभी लोग जानते हैं ना केबल से जो हमारी चलती है कार जिसको आपने देखा पहाड़ों से कनेक्टेड होती है इटावा महाराजगंज जौनपुर या मिर्जापुर कहाँ पे शुरू की जा रही है एक 112 का सही जवाब क्या होना चाहिए तो पहली हमारी जो केबल कार यो, योजना है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में शुरू की गई ब्लैक पॉटरी जो इंडिकेशन टैग इनमें से किस जगह को दिया गया नजीमाबाद खुर्जा निजामा निजामाबाद या कासगंज याद रखिएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से क्वेश्चन पूछता है ब्लैक पॉटरी काला जो काली मिट्टी से बनने वाले बर्तन है बड़े फेमस है और ये कहां पर दिया गया है ज्योग्राफिकल टैग ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये सही जवाब है हमारा 113 का सी नंबर निजामाबाद के ऊपर टिक करना है सी नंबर तो जितने रिसेंट में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जाते हैं वो आपको करना पड़ेगा इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं आ, हमारे आ, नहीं बहती है प्रभावित नहीं होती है सोन नदी है हिंडन है गंडक है या शारदा नदी है कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है <clears throat> तो भाई यहां पे जो तो सही जवाब है मुझे लगता है कि अगर रिवर सिस्टम आपने इंडियन पढ़ा होगा तो गंडक नदी नेपाल से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है माँ गंगा से मिलती है तो ये बिहार में जाती है नहीं जाती इनमें से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश से, से अपनी सीमा साझा नहीं करता बलरामपुर समस्ती कुशीनगर या लखीमपुर खीरी पे अगर हम लोग देखेंगे सही जवाब है कुशीनगर सभी को पता होगा नेपाल बाउंड्री से जो हमारे शेयर करने आए बलरामपुर सरवस्ती लखीमपुर खीरी कुशीनगर नहीं शेयर करता है नेपाल से यूपी में बाउंड्री इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इनमें से किस देश के साथ अपनी भूमि साझा नहीं करता है ब्रूनी है लिस्टे है मलेशिया है या पापा न्यू है किसके साथ अपनी जो है वो स्थल सीमा को साझा नहीं करता है तो सही जवाब क्या होना चाहिए तो पे जो सही सही जवाब जवाब है है वो हमारे सही है, बुरुनी। बुरुनी के साथ इंडोनेशिया अपनी सीमा को साझा नहीं कर रहा है तो ब्रूनी इज करेक्ट आंसर अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा है तो ब्रूनी करेक्ट हो जाएगा इनमें से कौन सा पेलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है जो हमारे पोलिनेशिया जो द्वीप समूह उसमें कौन नहीं आता टोंगा तवालू, तिहिती या तेंजिनन ये हमारे जो में छोटे छोटे द्वीप समूह देश हैं उनकी बात कर रहे हैं तो का जो है ये, सही नहीं ये इस पोलिनेशिया ग्रुप का समूह नहीं है मेंबर नहीं है इनमें से मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है जापान चाइना रूस या हमारा अमेरिका सबसे नंबर एक पर कौन है मछली के उत्पादन में इंडिया का स्थान तीसरे नंबर पे है

स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कोर्स शुरू किए गए थे संकल्प इज राइट आंसर संकल्प है लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन कौन सी है तो अब इनमें से संकल्प के अलावा और कौन सी हो सकती है तो सी नंबर पे हमारे दो तीन और चार है तो एक तो संकल्प तो है ही स्ट्राइप भी है और श्रेस भी है स्ट्राइड नहीं है स्ट्राइड नहीं है बाकी के तीनों आपको देखने को मिलेंगे सी नंबर यहाँ पे सही है दो तीन और चार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे इनमें से किसको हम लोग लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से जानते हैं लैंड ऑफ प्रॉमिस क्यूबा है जावा है सी है या मिडनाओ है इनमें से किसको लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा 120 का जो सही उत्तर है वो है डी नंबर मिडनाव को हम लोग लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से निकनेम से जानते हैं इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है सही मैचिंग जिसकी नहीं है एंटीगुआ बारबेवुडा डोमिनिका कैपिटल यहाँ पे दी गई एंटीगुआ बारबुडा की सेंट जॉन्स है डोमिनाटा डोमिनिका की सेंट डिमागो है

प्रोडक्शन कहाँ पे नहीं होता है सही जवाब क्या होना चाहिए तो ये क्वेश्चन हमारा 122 नंबर हाँ तो यहाँ पे सही जवाब है बी नंबर बी नंबर मतलब हमारा जो मंगोलिया है ये कहवा के लिए यहाँ पे गलत है है ना यहाँ पे हमारा ये सही सुमेलित नहीं है ब्राजील होता है यहाँ पे इनमें से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा का आवश्यकता का हमारा 99 जो है वो हाइड्रो पावर से मिलता है न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या ब्राजील हाइड्रोपावर नाइनटी नाइन जो है वो हाइड्रोपावर तो से मिल रहा है भाई और इसको किससे मिल रहा है जल विद्युत से मिल रहा है तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है इनमें से कौन सा सही नहीं मिलाया गया है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग गर्म झरने राज्य हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण है उड़ीसा तापता पानी है महाराष्ट्र बजेश्वरी है गुजरात नारायणी है तो यहां जो तो सही जवाब है अगर आप यहाँ पे पढ़े होंगे तो ये राजस्थान में आपको नारायणी गर्म पानी का झरना होगा ये गुजरात दिया गया है गलत हो गया यही पिक करना था डी नंबर लॉ संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है कौन सा हमारे जो आयरन स्टील प्लांट है वो किसी नदी किनारे नहीं है ठीक है चलिए देख लेते हैं बोकारो दामोदर नदी के किनारे है है ना दामोदर के किनारे है जमशेदपुर हमारे स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है है ना स्वर्ण रेखा के नदी किनारे और भद्रावती बेंगलोर में भद्रा रिवर के किनारे है लेकिन भिलाई किसी नदी किनारे नहीं है ए नंबर इसीलिए सही है भिलाई किसी नदी किनारे नहीं है छत्तीसगढ़ में है याद रखिएगा तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है पश्चिम बंगाल राजस्थान झारखंड मध्य प्रदेश तमरिया जो ट्राइब है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगी सही जवाब आपको बताना है तो सही जवाब क्या है तमरिया जो ट्राइब है ट्राइब सबसे ज्यादा झारखंड छत्तीसगढ़ हमको देखने को मिलती है ना मध्य प्रदेश यहाँ पे तो झारखंड में हमारे तमरिया ट्राइब देखने को मिलेगी भारत की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है ये तो भैया बोनस क्वेश्चन था कि कोई निगेटिव में अगर जा रहा हो तो वो ना जाए तो वुलर लेक भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अब ये कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है देख लीजिए रीजनिंग का है इनमें से कौन अलग है टोक्यो लंदन न्यूयॉर्क बीजिंग बहुत आसान क्वेश्चन थे तो भैया देखिए कैपिटल है ना टोक्यो जापान की लंदन ब्रिटेन की न्यूयॉर्क नहीं है न्यूयॉर्क जो है ये अलग है ये कैपिटल नहीं है बीजिंग चाइना की तो सी नंबर सही है इनमें से कौन से तीन से भिन्न है अलग है दिशा कंपास स्वी चुंबक तो इनमें सही जवाब है डायरेक्शन डायरेक्शन बाकी के सारे के सारे नाउन है मतलब बारी के सारे सारे इंस्ट्रूमेंट है ये एक नापने वाला हमारा है तो दिशा इज करेक्ट आंसर ये अलग है आप देख लेते हैं भाई दो तो हमने बना लिए विद्युत जिस प्रकार से तार से संबंधित है मतलब विद्युत को कौन ले जाता है तार है ना उसी प्रकार से पानी संबंधित है किससे पाइप से है ना जग नदी जग नदी बोतल पाइप से संबंधित है सिंपल है आसान है भाई हम तो बना लिए होटल को 300 बोला जाता है तो उसी में आप बोर को क्या बोलेंगे तो देखिए यहां पे क्या किया गया नंबर लिखा गया और फिर ऐड किया गया तो आप इसी तरीके से बोर को जब लिखेंगे तो ये हमारा 160 आएगा तो बी नंबर यहाँ पे सही था तो आसान रीजनिंग थी तो ये थे हमारे जितने क्वेश्चन हमने यहां पर देखे उन सबको हमने आपके सामने रखे आई होप देखिए यहां से बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी कि हमारा क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से एग्जाम में पूछ रहा है क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिखाने का सिर्फ मेरे को एक ही मकसद था कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है मॉडर्न हिस्ट्री बहुत डिटेल में पूछता है एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से ईयर कौन इवेंट कब हुआ किसने किया वहां पे नंबर आपको उठाना है करंट अफेयर्स अभी तक गनीमत है कि सीधा सीधा पूछा गया है आप उसको बना सकते हैं हमारे वर्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा घुमाता है हमेशा घुमाया गया था मैचिंग वैचिंग पूछी गई थी लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था यूपी का कंटेंट बढ़ता चला जा रहा है यूपी का मेला हो यूपी का हमारा कोई अवार्ड हो यूपी का कोई स्कीम हो पूछता चला जा रहा है लगातार तो आपको उस कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है आप कौन सी क्लासेस चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा है ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि अब देखिए ये क्या था ये था एक आपके सामने स्ट्रक्चर कि भाई ये ये चीजें आती हैं अब आपको कल कौन सी क्लास चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरे को ये प्रैक्टिस करनी है और ये क्लास आप लेकर के आइए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको किसी आंसर में डाउट होता है ये आंसर की से सारे हमने आपको आंसर बताए ठीक है ताकि आप सारे चीजों को देख पाए हां एक दो क्वेश्चन में जरूर डाउट है जो कि आंसर की में जो दिया गया वो मैंने आपको बताया है अगर आप आरओ आरो की तैयारी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे एग्जाम है चार सौ ग्यारह वैकेंसी है और प्री और मेन्स दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैच में जुड़ जाइए मात्र फोर ट्रिपल नाइन का ये बैच है और याद रखिएगा ये कूपन कोड मेरा नाम पंकज चौबे तो पीसी लाइव कूपन कोड आपको दिलाएगा डिस्काउंट तो फटाफट फड़ जाइए ज्वाइन हो जाइए मिलते अपनी कल की क्लास में आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद